आज हम लोग कमेंसलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कमेंसलिज्म होता क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है कि इंट्रा है, फिर इसमें किसको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, दोनों स्पीसीज को फ़ायदा होता है कि दोनों को नुकसान होता है किसी एक को। तो आइए देखते हैं कमेंसलिज्म। इसमें देखेंगे, नोट कर लेंगे, कमेंसलिज्म इसमें जो स्पीसीज है उसमें एक को फायदा होता है और एक को कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है तो उसकी वजह से अगर जो दूसरे को कोई नुकसान या कुछ नहीं होता है, तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं पहला पॉइंट प्लस और जीरो से। यानी इसको तो फायदा हो रहा है, पॉजिटिव है, तो इसको ये न्यूट्रल है, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेनिफिटेड है। यानी इसको फायदा हो रहा था, एक पॉइंट ये है, एक को फायदा होता है, एक को कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे ये भी कमेंसलिज्म इज द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यानी कमेंसलिज्म इज आल्सो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जैसे एमेंसलिज्म में आप पढ़े होंगे वो भी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी आप देख लेंगे स्पीसीज ए है, ये बी है, तो इंटर स्पेसिफिक हो गया, ये ध्यान देंगे। यानी दोनों अलग अलग स्पीसीज है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा दो अलग अलग चीज़ें होती है। इंटर मतलब दो अलग अलग स्पीसीज, इंट्रा का मतलब एक ही स्पीसीज में दो हैं अलग, तो वो होता है। तीसरा देखेंगे इसमें वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, एक को तो फायदा हो रहा है, व्हाइल द अदर स्पीसीज इज व्हाइल द अदर स्पीसीज इज Neither benefited nor क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं, एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं चौथे पॉइंट में और क्लियरली समझ में आ जाता है। जैसे फिश है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स आते हैं। अब इसी में फिश में एक देखते हैं, एक रिमोरा फिश करके होती है, रिमोरा फिश, वो किसी बड़े फिश के आसपास या नीचे ज़्यादा सपोर्टिंग नीचे रहता है, उसको तैरने में भी आसानी होती है और लगी रहती है। तो जो बड़ी फिश होती है उसको तो कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन वो जो कुछ खाती है तो कुछ बचता है तो इसको मिल जाता है। तो ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है रिमोरा। रिमोरा देखेंगे कि क्या होती है, टाइप ऑफ सकर फिश, ये एक तरह से सकर फिश होती है, दैट अटैच इट्सेल्फ टू दैट विल अटैच इट्सेल्फ टू शार्क, जैसे शार्क के पीछे रहती है, शार्क के नीचे, जैसे ये फिश है, मान लीजिए शार्क है, ये शार्क की फिन मान लीजिए है,
तो ये यहीं पर लगी रहती है, नीचे इसी जगह पर रहती है, ये ऐसे ऐसे लगी रहती है। यानी सार के निचले हिस्से में आप देखेंगे अक्सर वो सार कुछ खाई खा रही है तो थोड़ा बहुत गिरता है मूव करते हुए, तो ये इनको मिल जाता है। और अगर जो तैरते वक्त पानी में जब तैर रही है सार तो एक सपोर्ट मिलता है, तो इनको प्रेशर कम लगाना पड़ता है फिन से, तो ईजिली ये तैर लेती हैं और सपोर्ट भी मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो सार्क एंड अदर बिग फिश कोई बड़ी फिश या सार्क के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। टू कैच एंड अंडर वाटर राइड, पानी के नीचे ही है, पानी में ही मूव करते हैं, ये तो जानते ही हैं। तो रिमोरा हमेशा जैसे शार्क है इसके नीचे ऐसे ही बनी रहती है। आप डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी पे अक्सर देखते होंगे, इसका अक्सर आता है वीडियो। तो जो भी कुछ शार्क से मुंह से बाहर निकलता है, कुछ खा रही है ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो इसको मिल जाता है। तो ये जो एसोसिएशन है वो समझ में आ गया होगा आपको कि उसको फ़ायदा हो रहा है रिमोरा को, और सार को कोई दिक्कत नहीं है। सार तो जो खाना है खा ही रही है, जो छूट गया कोई बात नहीं, और रिमोरा अलग है और सार अलग है, तो इंटर स्पेसिफिक इंट्रेक्शन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? हाँ, ये देखिए कुछ कह रहे हैं, इनका भी ध्यान दीजिए। तो कोई डाउट है नहीं, वैसे कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। ओके, इसको नोट कर लेंगे।